पता है मुझे वो ब्रांडेड है, लेकिन वो मेरा भाई है और मैं उसके बॉडी को काट नहीं सकता। मुझे हार्ट रिक्वायरमेंट थी सर, एक्चुअली अगर हेल्प हो जाती तो। तो आपका भाई 8 अलग अलग लोगों में जिंदा रह सकता है। हाँ, और उस दिन, अरे मैंने बोला था यार उसको, एक सेकंड। अबे मुझे ना घर से कॉल आ रहा, मैं करता हूँ तुझे बात, ठीक है? हेलो। हाँ पापा। बेटा चेतन तीसरे मार से गिर गया बेटा, वेंटिलेटर पे है वो। हेलो हेलो, मैं विक्की सर से बात कर रहा हूँ। कंग्रेचुलेशन सर, आप सर रिवर्थ फाउंडेशन के वॉलंटियर बन चुके हैं। छुटकी के हार्ट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा या तो आप ऑपरेशन कराओ हर महीने या ट्रांसप्लांट कराओ। हम सब हेल्पलेस हो गए थे, पर हम होपलेस नहीं थे। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, 7 दिन। हेलो सर, मैंने आपका एक फेसबुक पोस्ट देखा था रिबर्थ फाउंडेशन के ऑर्गन डोनेशन के बारे में। हाँ जी, मैं रिबर्थ फाउंडेशन का वॉलंटियर हूँ। यस सर, आवर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस एंड हेल्प द रिसिपिएंट एंड डोनर कम क्लोजर टू ईच अदर। सर, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली ZTCC के अंडर आता है, तो मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ। ZTCC? हेलो, ZTCC? हाँ सर, मैं उनका मेंबर बात कर रहा हूँ। मुझे हार्ट रिक्वायरमेंट थी सर, एक्चुअली अगर हेल्प हो जाती तो। सर आप पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपको 1-2 दिन में ऑर्गन्स रिसीव हो जाएंगे। हाँ यस सर, बिल्कुल मैं भी रजिस्ट्रेशन कर। और मैं खुद नहीं चाहता, मतलब एक जिंदा आदमी को तुम ऑर्गन्स के हिस्सों में बांटोगे और पूरे दुनिया में बांटोगे। वो अब पता है ब्रांडेड है भाई ये, वो मेरा, मैं ऐसा नहीं होने, नहीं ऐसा करना ही नहीं चाहता मैं। 7 दिन है तो क्या हुआ, 7 के 7 दिन हम ट्राई करेंगे, हम हेल्पलेस है, होपलेस नहीं, समझा ना? ये बात नहीं करूँगा सर, शायद वो सही कह रहे थे। मतलब मेरे हिसाब से आपको ऑर्गन्स दे देने चाहिए, डोनेट कर देने चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप कौन? सर मेरा नाम विक्की है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जिसका नाम है रीबर्थ, जो डोनेशन में ऑर्गन डोनेशन खाली अवेयरनेस ही नहीं स्प्रेड करता पर डोनेटर्स को हेल्प भी करता है। देखिए वो मेरा भाई है, आप जानते हैं आपका भाई 8 लोगों की जान बचा सकता है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? वैसे भी डॉक्टर्स ने तो जवाब दे ही दिया है। आप मुझे मत समझिए, अगर आपके भाई के 8 ऑर्गन्स मैच हो गए तो आपका भाई 8 अलग अलग लोगों के शरीर में जिंदा रह सकता है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए पूरी फैमिली ये चीज़ के लिए चाहना ज़रूरी हो। वैसे भी डॉक्टर्स ने तो जवाब दे ही दिया है, तो आपका भाई 8 अलग अलग लोगों के शरीर में जिंदा रह सकता है। उस दिन मैंने बहुत सोचा, डिफिकल्ट था लेकिन ज़रूरी भी। मैंने घर वालों से भी सेम बात कही एंड फाइनली वो मान गए। हेलो जी सर, बोलिए। ऑर्गन मैच हो गया है? ऑर्गन डोनेशन के लिए डोनर को इतनी बड़ी फाइल कंप्लीट करनी पड़ती है सिर्फ ऑर्गन डोनेट करने, लेकिन ZTCC की वजह से ना सारी चीज़ें आसान हो गई। इंडिया में डोनर और रिसिपिएंट का रेशियो 1:10,000 है। दैट्स व्हाई रीबर्थ इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द डोनर एंड द रिसिपिएंट सो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। चुटकी शायद लगी, वरना हमारे देश में तो डोनर और रिसिपिएंट के बीच में गैप इतना ज़्यादा है कि इसी वजह से 5 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल मर जाते हैं।